धार एसपी की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि धार जिले के कई थाना अंतर्गत एक बहुत ही शातिर बदमाशों का गिरोह काम कर रहा था, जो गंभीर बीमारियों में मृत व्यक्तियों के एक्सीडेंट की फर्जी रिपोर्ट करवा कर बीमा कंपनियों से एक्सीडेंटल क्लेम हड़पता था, जिसमें परिवार के लोगों को भी झांसे में लिया जाता था। लगातार गिरोह की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगी, जिसके बाद एडीजी ने कार्यवाही के लिए एसपी को निर्देशित किया, जिसमें पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया। टीम ने मिलकर कुल 10 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। बाग थाना के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि इन शातिर बदमाशों ने कई कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाया है। शातिर बदमाशों के दिमाग इतने तेज हैं कि महीनों पहले मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर फर्जी वाड़ा कर बिना कंपनी को चूना लगाया। इन शातिर बदमाशों के साथ बाग के सरकारी अस्पताल का चिकित्सक नितिन वाघेला भी शामिल है। बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले ये शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन्होंने भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कुछ लोग हैं, उनके फर्जी एक्सीडेंटल बीमा क्लेम एक गिरोह द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत को इन्वेस्टिगेट किया है, जो कि बदनावर यह काम है। टीम बनाई जिसमें लोगों ने पूरे मामले की उस जांच में से निकल के आया कि एक गिरोह धार में सक्रिय था, जिसमें ये लोग ऐसे लोग जो कैंसर या फिर किसी अन्य बीमारी से नेचुरल डेथ हो जाती है, उनके मरने के कुछ दिन उपरांत उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं और एक एक्सीडेंटल टाइप मामला दिखा के और उसमें फर्जी इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। उनके द्वारा अभी हमने दो मामले रजिस्टर किए हैं। एक मामले में इनके द्वारा कुछ वाहन उठाए गए हैं इंश्योरेंस पे, और दूसरे मामले में करीब 37 लाख की इंश्योरेंस क्लेम की गई। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक इस मामले में? जो इस गिरोह का सरगना है नितिन, और उसके अलावा 10 लोगों को अरेस्ट किया। सर बीमा कंपनियों को कितने का चूना लगाया है? देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन है, परंतु संभवतः 2.5 से 3 करोड़ के प्रकरण में जो है चूना इंश्योरेंस कंपनीज को लगा है। सर इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं? वकील, डॉक्टर? देखिए, इसमें जो मेन गिरोह का सरगना है नितिन और उसका भाई, नितिन को लॉयर के नाम से, वकील के नाम से जानते हैं उस इलाके में। और ये उनका काम है कि ऐसे लोग आइडेंटिफाई करना जिनकी मृत्यु होने वाली है या वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। फिर ये उनके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे पैन कार्ड, उसका आईडियाज, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और एक तैयारी करते हैं फर्जी दस्तावेज बना के कि इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन इंश्योरेंस ली जाए और फिर उसकी मृत्यु एक्सीडेंटल दिखाकर उसमें क्लेम किया जाए। सर नितिन जो है वो कट है क्या? देखिए, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा, लेकिन उसको वहाँ पर लोकल एरिया में।